हेलो एवरीवन, आई एम भावना भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। जैसे कि पॉइंट वन क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने बता दिया है कि कॉन्सेप्ट डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स कवर किए थे एम्प्लॉय कंपनसेशन के। तो पार्ट वन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए आप मेरे चैनल को, क्योंकि आपको डिटेल मिलती रहे हर एक क्लास की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन के कंपोनेंट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंपनसेशन। तो पहले से एम्प्लॉय कंपनसेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब होता है जो मॉनेटरी फंड्स, जो बेनिफिट्स होते हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। अब वो किस तरीके से दिए जाते हैं वो मैंने क्लास पार्ट वन में समझा दिया था। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग की। तो कंपोनेंट्स में क्या होता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पहले ही कि एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ समथिंग। कंपोनेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय का एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है कंपोनेंट। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला है वेजेस एंड सैलरी। बेस मार्क्स आर्ली रेट ऑफ पे एंड सैलरी मार्क्स मंथली रेट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय। इन इट इज़ रेलिवेंट ऑफ द नंबर आर्स पुट इन बाई एन एम्प्लॉय वर्किंग इन द फर्म। कहने का मतलब ये है कि वेजेस जो वो होते हैं वो मजदूरी होती है। ठीक है, वेजेस जानते हो ना, वेजेस मजदूरी और सैलरी वेतन। ठीक है, तो वेजेस जो होते हैं वो मजदूरी रेट्स आर्ली पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि घंटों पे, जो घंटे में भर में काम कर लिया उस तरीके से मेजर किया जाता है। और जो सैलरी मार्क्स होती है वो मंथली पेड होती है, तो मंथली मार्क की जाती है। ठीक है, ये फर्म काम करने वाले एम्प्लॉय के द्वारा किए गए वर्किंग आवर्स पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता। ठीक है, भत्ते जो होते हैं आपके। अलाउंसेस कैन बी डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ समथिंग इज अलाउड स्पेशली विद इन अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन और फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। कहने का मतलब यह कि अलाउंसेज जो स्पेशली थिंग्स के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है, जो स्पेशली रूप से नियमों और स्पेसिफाइड पर्पस पर सेट होते हैं। कुछ अलाउंसेस मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, DLNs अलाउंसेस होता है, HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस होता है जैसे CCA कहा जाता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होते हैं जिसको TA बोला जाता है। नेक्स्ट है इंसेंटिव एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पे। इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड पे का मतलब होता है प्रोत्साहन और प्रदर्शन आधारित वेतन। ठीक है, अभी क्या होता है, इंसेंटिव कंपनसेशन इज परफॉर्मेंस रिलेटेड रिम्यूनरेशन पेड विद अ व्यू टू एनकरेज एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड एंड बेटर। बोथ इंडिविजुअल इंसेंटिव एंड ग्रुप इंसेंटिव आर एप्लीकेबल इन मोस्ट केस। बोनस गेन शेयरिंग आर सम एक्स। इंसेंटिव कंपनसेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिम्यूनरेशन होता है, जो रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। ठीक है, जो एम्प्लॉय को कड़ी मेहनत और वेतन बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है अनुषंगी लाभ। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या कहता है, फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड एम्प्लॉय बेनिफिट्स लाइक मेडिकल केस, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट रिलीफ, कैंटीन, यूनिफॉर्म रिक्रिएशन, सो ऑन। इन रिसेंट ईयर अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू डेवलपमेंट ऑफ कंपनसेशन सिस्टम टू गो बियॉन्ड जस्ट मनी। वी कैन से दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स जो में क्या इंक्लूड होते हैं, मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट रिलीफ एंड कैंटीन, यूनिफॉर्म और एंटरटेनमेंट ETC इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हाल ही के वर्षों में क्या हो गया, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है, जो सिर्फ पैसे से अलग हटकर, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, बेस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, पे हो रहा है, लेकिन उसको क्या दिया जा रहा है, उसको सामान दिया जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, एम्प्लॉय को सिर्फ हम कह सकते हैं कि कंपनसेशन के ऑल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की लाइफ पे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैनेजमेंट का जो उसकी लाइफ होती है उस पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हाल ही के वर्षों में एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है, जो सिर्फ पैसे से अलग हटकर है। हम कह सकते हैं कि कंपनसेशन के ऑल कंपोनेंट्स पर मैनेजमेंट एम्प्लॉय की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग और कंपनसेशन। देखिए, पहला है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय की कितनी इफिशियंसी है, कि वो किस तरीके से उत्पाद का जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे करता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कंपनसेशन हैज़ बीन प्रोडक्टिविटी बेस्ड। एम्प्लॉय से बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रोडक्टिविटी कंपनसेशन एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है लेबर यूनियन, जिसको कहते हैं श्रमिक संघ, यूनियन है भाई ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन पेइंग बेटर वेज टू वर्कमैन, हाईली वेज हैव टू बी पेड बाई फर्म इट्स वर्कर अंडर प्रेशर टू ट्रेड यूनियन, ठीक है। ये हेल्प करता है बेहतर वेजेस दिलाने में एम्प्लॉय को, ट्रेड यूनियन प्रेशर करता है कि वो एम्प्लॉयज को बेटर वेज मिल सके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग, वेज डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट इज हाईली वेज वी डन लाइक हाई, वेज पर डिपेंड होती है एम्प्लॉय की केस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर वेज हाई होगा तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है आप समझ रहे होंगे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, क्या मांग है क्या आपूर्ति होती है उसकी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर दे विल बी पेड हाईली वेजेस, अदरवाइज दे विल बी पेड लेस और वाइस वर्सा, यह एम्प्लॉय की जो डिमांड होती है वो हाईली वेज मिले ये होती है, बट ये लेस और वाइस वर्सा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसको वेज मिलता रहे, ठीक है। प्रिवेलिंग वेज रेट, इसका क्या मतलब होता है कि प्रचलित मजदूरी दर जो चला आ रहा है, प्रिवेलेंस का मतलब होता है जो फेमस होती है पहले से चीज, ठीक है। अब वेज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग वेज रेट एज ऑर्गेनाइजेशन हैव पे अकॉर्डिंग टू कीप द एम्प्लॉय विद इन दैम बेस ऑफ बेस, जो होते हैं वो भी मजदूरी जो होती है वो भी बेस रेट पर डिपेंड होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एम्प्लॉय को उनके अनुसार भुगतान करने के लिए भुगतान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल नो इन फैक्ट्रीज एक्ट 1945 में ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हो गई थी, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कंपनसेशन एक्ट आया था, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आया था, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू ही पास होते हैं तब जाके डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो फिक्स द रूल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, द ऑर्गेनाइजेशन आर लाइबल टू पे एज़ पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है लाइबल टू पे होती है, ठीक है। थैंक यू क्लास, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।